भारत सरकार द्वारा अर्धसैनिक बल में 4000 पदों पर नियुक्ति करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने नागपुर में संविधान चौक से दिल्ली के जंतर मंतर तक 1068 किलोमीटर पैदल मार्च शुरू किया है। शनिवार को अभ्यर्थियों का दल धौलपुर पहुंचा। धौलपुर पहुंचने पर अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा 4000 पद आज तक नहीं भरे गए। उसी 4000 पद के लिए वे पिछले 15 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि भारत देश के युवा देश की रक्षा के लिए एक सिपाही बनना चाहते हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके तहत 1 जून से नागपुर संविधान चौक से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल मार्च शुरू किया गया है। युवाओं ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कराई जाने वाली पैरामिलिट्री फोर्स की जनरल ड्यूटी 2018 की भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल में फिट होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन करके निराश हो चुके अभ्यर्थी अब दिल्ली की ओर पैदल ही चल चुके हैं। कैंडिडेट, मैं आज हमारे पैदल मार्च का 39 डेज है। हम लोग आज मध्य प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं और आगे चलकर चंबल की घाटियाँ और चंबल की नदियों को क्रॉस करने वाले हैं, जो बहुत ही खतरनाक भरी जगह हैं। तो इतनी खतरनाक भरी जगहों से हम लोग गुजर के दिल्ली आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अमृतसर से एक मीटिंग करने के लिए। हम सर से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सर माना सर आप बहुत बिजी है, लेकिन सर आपके पास सर 5 मिनट के लिए तो टाइम है। सर 5 मिनट का सिर्फ आप हमें टाइम दे दीजिए। सर हमारी एक बार सर आप बातें सुन लीजिए, आप हमें ज्वाइनिंग दे या ना दे ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार सर हमारी समस्या को समझें। सर जब आप खुद ही कहते हैं ना सर देश की बेटी आपकी बेटी है, तो सर हम सब क्या आपकी बेटी नहीं है? सर अपने घर से निकले हैं, सर किसी की मम्मी पापा नहीं चाहेंगे कि मेरी घर की जवान बेटी दिल्ली जैसे ऐसे शहर पर आए हैं। सर प्लीज़ सर हम आपसे गुहार लगा रही है, इस देश की सारी बेटियाँ जितनी अभ्यर्थी SSC जी 2018 की अभ्यर्थी है, वो सर सभी आपसे गुहार लगा रहे हैं। सर प्लीज़ सर हमारी बातों को एक बार आप सुनिए, एक बार से। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।